और ऊपर की तरफ ये एक कर्व फेस है कोन में तीन डायमेंशन होती है सबसे पहले तो नीचे जो सर्कल है उसकी रेडियस होगी आर ये है आर। उसके बाद यहां वर्टेक्स से से बेस तक की डिस्टेंस ये है ऑल्टीट्यूड इसको डिनोट करते हैं है हाइट और तीसरा एक ये हाइट है इसे बोलते हैं स्लैंटिंग हाइट और इसको डिनोट करते हैं एल से तो पहले तो देखना है एच आर और एल इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है अगर इस ट्रांगल को हम देखें एंगल 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रांगल है राइट एंगल ट्रांगल में पाइथागोरस कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पोपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यहां पर हाइपोटेनियस क्या है हाइपोटेनियस नाइनटी डिग्री के सामने वाली साइड होती है ये 90 डिग्री है इसके सामने है एल तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मुला होगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर पोपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर तो पहले तो एल एच आर में रिलेशन आपको पता हो क्योंकि कई क्वेश्चंस में सिर्फ दो ही गिवन होंगे

ओके okay. ये इसमें तीन फॉर्मूलाज़ हैं फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एल आर एंड एच एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दूसरा सी एस ए पाई आर एल और तीसरा है टी एस ए पाई आर इन टू आर प्लस एल या एल प्लस आर ओके ये है आर एच एंड एल चलिए एक्सरसाइज पर मूव करते हैं एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर बेस का डायमीटर दिया रेडियस यहां से मिल जाएगी हाफ होगी और स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको गिवन है फाइंड कर्व एरिया के लिए हमें आर और एल की ही जरूरत है सो आंसर नंबर वन पहले डायमेंशन लिखते हैं डी था टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स सो आर होगा हाफ ऑफ डी डी बाई टू टेन पॉइंट फाइव बाई टू बाई टू ही रखते हैं क्योंकि टू से पूरा कैंसिल नहीं होगा ये नेक्स्ट है स्लैंड हाइट एल गिवन है टेन दोनों ही सेंटीमीटर्स में है फॉर्मूला लगाते हैं सी एस ए ऑफ कौन कौन का सी एस ए है पाए आर एल पाई इज ट्वेंटी टू बाई सेवन आर है टेन पॉइंट फाइव बाई टू एंड एल इज टेन सेवन से कैंसिल होगा टेन पॉइंट फाइव सेवन वन से सेवन पॉइंट थ्री थर्टी फाइव

डी दिया है तो आर यहाँ से फाइंड करेंगे TSA का है पाई आर आर प्लस तो रेडियस और की की ही हमें की ही हमें ज़रूरत है 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 दोनों question में given है. Answer number two, dimensions लिखते हैं पहले आर हाफ होगा आर इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर बाई टू वन टू ट्वेल्व ट्वेल्व मीटर टी एस ए का फॉर्मुला है पाई आर इंटू आर प्लस एल

टू नाइन टेन इलेवन वन नाइन वन टेन सेवन सेवनटीन वन एट एट सेवन वन टू एट सेवन वन टू बाई सेवन ये डेसिमल में होगा आंसर सेवन से कैंसिल करते हैं सेवन वन से सेवन एट सेवनटीन हो गया टू हजार फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन थ्री बचा थर्टी वन देन फोर हजार ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन फिर से थ्री रिमाइंडर थर्टी टू फोर हजार ट्वेंटी एट अगेन देन नाइन टेन फोर डेसिमल लगेगा फोर्टी

रेडियस ऑफ द बेस आर फाइंड करना है एंड टी एस ए फीमी का फॉर्मुला क्या है सी एस एफ फोन इज पाई आर एल वैल्यूज पुट करते हैं सी एस ए है थ्री हंड्रेड एंड एट इक्वल टू पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन मिसिंग है फाइंड करना है एल है बाई ट्वेंटी टू इंटू टू दिस इज इक्वल्स टू आर टू से कैंसिल्वेंटी टू सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर तो रेडियस है सेवन सेंटीमीटर अभी टीएसए फाइन करना था तो डीएसए तो का फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं टी एस ए होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल या फिर सी एस ए आपको पता ही है कि थ्री हंड्रेड एंड एट है टी एस ए फाइन करने के लिए उसमें सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड करना है बेस का रेट बेस का एरिया तो सिंपल थ्री हंड्रेड एंड एट में पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर सकते हैं चलिए फॉर्मला सही कर लेते हैं पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन आर है सेवन सेवन प्लस एल था फोर्टीन कैंसिल ट्वेंटी टू इन

एंड इट इज मीटर हाई तो ये हाइट का मतलब है कि आपको आपको है, है ये H given है आपको 10. Question में जब तक लिखा लिखा ना हो, simple height लिखा हो, तो हम हमेशा ऑल्टीट्यूड को ही मानकर चलेंगे जब तक, जब तक लिखा होगा, तब वो एल होगा तो एच गिवन है R given है. सबसे पहले तो स्लांट हाइट ही पूछी है तीनों में रिलेशन हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल होता है दिस इज आंसर नंबर फोर एच इज इक्वल्स टू टेन मीटर्स एंड रेडियस

कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ये टेंट आपको बनाना है इसके लिए कितने कैनवस की जरूरत होगी देन आगे कॉस्ट भी गिवन है वन मीटर स्क्वायर कैनवस जो है वो सेवेंटी रुपीज का है तो पहले तो ये देखना है कि टेंट अगर आपको बनाना है तो हम सी एस ए फाइंड करेंगे कैनवस के एरिया के लिए या टी एस ए टेंट जब बनेगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर बनेगा नीचे तो कैनवस नहीं बिछाएंगे धरती के ऊपर तो यानी कि सिर्फ कर्व्ड एरिया हमें फाइंड करना है सीएसए हम फाइंड करेंगे तो हमें पता लगेगा कितना एरिया का कैनवस की हमें जरूरत है पार्ट टू कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू सीएसए ऑफ कौन कौन का सी एस ए होता है पाई आर एल पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन आर था ट्वेंटी फोर एल था ट्वेंटी सिक्स इन टू ट्वेंटी सिक्स सेवन से तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा सिंपल मल्टीप्लाई ही करते हैं ट्वेंटी टू फोर हजार एटी एट ट्वेंटी टू टू हजार फोर्टी फोर फिफ्टी टू फाइव ट्वेंटी

सेवन से अभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड करेंगे बाद में हमें इसको सेवेंटी से मल्टीप्लाई भी करना है तो बाद में जब इंटू सेवेंटी करेंगे कैंसिल हो ही जाएगा सेवन से तो यही रखते हैं इतने मीटर स्क्वायर कैनवस की हमें जरूरत है अभी रेट क्या है कैनवस का एक मीटर स्क्वायर कैनवस आता है सेवेंटी रुपीज का हमें इतना चाहिए तो इतना कितने में आएगा दिस इंटू सेवेंटी रेट ऑफ कैनवस इज इक्वल्स टू रुपीज सेवेंटी पर मीटर स्क्वायर सो कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल्स टू वन थ्री सेवन टू एट बाई सेवन जितने कैनवस की हमें ज़रूरत थी इन टू जिस स्टेट से वो मिलता है सेवन से कैंसिल से होगा टेन जर सेवेंटी टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन थ्री सेवन टू एट जीरो वन लाख थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ का कैनवस आएगा ओके okay? नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट लेंथ ऑफ टार्पोलिन थ्री मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट एट मीटर एंड बेस रेडियस सिक्स मीटर एक तार्पोलिन थ्री मीटर विथ की है तो उसकी लेंथ कितनी होगी कितना आप उसको परचेज करके लेकर आएंगे तार्पोलिन का जो क्लोथ है जो शीट है वो रेक्टेंगुलर शेप में आएगी और उससे आपको एक टेंट बनाना है टेंट में हाइट आपको गिवन है एट मीटर सिंपल हाइट बोला है तो एच होगी ये एट है बेस रेडियस ये सिक्स है अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटीरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर इसको बाद में देखेंगे स्टिचिंग में कटिंग में ट्वेंटी सेंटीमीटर वेस्ट हो जाता है तो जितना भी टार्कोलिन की आपको जरूरत है लेंथ की तीस सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है हमें तो पहले तो ये देखना है कि अगेन वही है टेंट बनाना है तो ऑब्वियसली ऊपर बनाएंगे हम सिर्फ बेस नहीं होगा तो इसका सीएस से फाइन करेंगे इसका सीएस से यानी कि कितने टार्पोलिन की हमें जरूरत है इसको बनाने के लिए कितना एरिया होना चाहिए टार्पोलिन का इसका फाइंड करेंगे उसको इक्वेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से शीट रेक्टेंगुलर शेप में है लेंथ हमें सॉरी ब्रेथ हमें पता है लेंथ मिलेगी वहां से चले इतना करते हैं एरिया ऑफ दिस इज आंसर नंबर डायमेंशन लिखते हैं विथ ऑफ यू इज इक्वल्स टू थ्री मीटर लेंथ इज क्वेश्चन मार्क देन हाइट ऑफ कौन इज एट मीटर्स रेडियस ऑफ बेस इज सिक्स मीटर ओके एरिया ऑफ तारोलिन रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इज इक्वल टू सी एस एफ कौन कॉनिकल शेप में टेंट है कौन का सी एस ए होता है पाई आर एल ओके पहले तो एल फाइन करना है एल ही नहीं है यहाँ पर सो so, ये बाद में लिखेंगे पहले एल फाइन करते हैं एल okay, स्क्वायर होता है इक्वल स्क्वायर स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स टेन वन सिक्स सेवन एट नाइन टेन हंड्रेड एल है तो एल होगा रूट हंड्रेड हंड्रेड स्क्वायर होता है टेन का सो रूट हंड्रेड इज टेन मीटर एल है नाउ एरिया ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड टू ऑफ कोन अभी कौन का C.S.A. है पाई this is equals to 22 by 7. या फिर सीधा ही करते हैं. आसान हो जाएगा एरिया ऑफ तार्पोलिन टू ब्रेथ एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई आर एल सो लेंथ मिसिंग है so length missing है, यानी कि थ्री मीटर्स थ्री दिस इज इक्वल्स टू पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस वॉल सिक्स एंड एल हमने फाइंड किया है टेन सेवन से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो एल इक्वल होगा ट्वेंटी बाई सेवन था ये थ्री भी इधर आके डिनोमिनेटर में आएगा यहां से एल मिलेगा फिर उसने कहा था कि ओके ये हमने मिस किया कि यहां पर पाई हमें थ्री पॉइंट वन फोर यूज करना था यूज पाई इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर चलिए एक ही जगह वाली है इसकी 3 तो बाई 7 नहीं। so, L दो नंबर हैं, यहाँ पर पॉइंट होगा सिक्सटी टू पॉइंट एट मीटर्स ये लेंथ है जो रिक्वायर्ड है और इसमें ट्वेंटी सेंटीमीटर उसने कहा था एक्स्ट्रा होनी चाहिए ये मीटर्स में है ट्वेंटी सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट टू जीरो एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज मार्जिन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स यानी कि ट्वेंटी बाय हंड्रेड पॉइंट जीरो पॉइंट टू मीटर्स तो टोटल लेंथ कितनी होगी ऑफ तार्पोलिन इज इक्वल्स टू 62.8 तो टेंट बनाने के लिए चाहिए और स्ट्रेचिंग मार्जिन के लिए 0.2 ऐड करेंगे 0.8 2 इज़ 10 1 2 1 इज़ 3 6 आंसर इज़ 63 मीटर्स ओके पहले l हमने फाइंड किया l h² स्क्वायर से h और r दोनों ही गिवन है उसके बाद सिंपल एरिया ऑफ टार्पोलिन जितने टार्पोलिन आप लेकर आओगे वो एज इट इक्वल होगा टेंट के CSA के उससे टेंट का ये ऊपर कर्व्ड सरफेस बनेगा

कोनिकल शेप में उसकी हाइट स्लैंडल आपको गिवन है बेस का डायमीटर गिवन है रेडियस मिल जाएगी हाफ करके फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स एरिया एरिया उसके कर्व पर वाइट वॉश करना है रेट गिवन है इस रेट से होगा वो बात की बात है पहले एरिया फाइंड करते हैं कितने एरिया पर वाइट वॉश होगा दिस इज आंसर नंबर सिक्स सो एल इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव मीटर्स एंड डी इज फोर्टीन मीटर हाफ होगा रेडियस सेवन मीटर नाउ एरिया टू बी पेंटेड वाइट पॉस्ट इक्वल्स टू सी एस एफ कौन कौन का सीएसए होता है पाई आर एल सो पाई इज़ ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस इज़ सेवन एंड एल इज ट्वेंटी फाइव कैंसिल ट्वेंटी फाइव फाइव फिफ्टी फिफ्टी प्लस फाइव इज फिफ्टी फाइव 550 मीटर स्क्वायर पर हमें वाइट वॉश करना है अभी वाइट वॉशिंग का रेट क्या है टू हंड्रेड लगते हैं हंड्रेड मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने में सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हंड्रेड मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रुपीज टू हंड्रेड एंड टेन यहां से पहले वन मीटर स्क्वायर का फाइंड करेंगे जब भी ज्यादा का गिवन हो वन का हमें फाइंड करना हो तो ये नंबर उधर जाता है डिवीजन में चला जाता है और अगर वन का दिया हो ज्यादा का फाइंड करना हो तो नंबर मल्टीप्लाई में जाता है यहाँ पे हमें वन का फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वन मीटर स्क्वायर तो ये इक्वल होगा टू हंड्रेड एंड टेन बाई हंड्रेड रुपीज के जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं ट्वेंटी लिख सकते हैं नाउ हमें वाइट वॉश कितने पे करना है फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी पे सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर स्क्वायर इज अभी वन का पता है फाइव फिफ्टी का निकालना है तो फाइव फिफ्टी उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा वन का कितना था ट्वेंटी जीरो कैंसिल फिफ्टी वन वन सेन वन हंड्रेड एंड टेन वन वन फाइव वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव रुपीज टोटल कॉस्ट होगी वाइट वाशिंग की जोकर फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस सेवन ये इस कोनिकल शेप में जोकर की कैप है रेडियस है बेस का सेवन सेंटीमीटर हाइट है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सिंपल हाइट है स्लांट नहीं लिखा है सो होगी हाइट ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर टू मेक टेन सच कैप्स अभी पहले तो ये देखना कि कैप बनेगी तो टी एस सी निकलेगा सी एस से कैप बनेगी तो ऑब्वियसली नीचे वाला सर्कल हम नहीं लगाएंगे अदरवाइज को पहनेगा कैसे जोकर सो so, पहले तो एक कैप का सी एस से फाइन करेंगे उसके बाद टेन कैप्स के लिए इंटू टेन करेंगे लेकिन इसमें एल नहीं गिवन है तो सबसे पहले तो एल फाइंड करना है आंसर नंबर सेवन आर गिवन है सेवन सेंटीमीटर एंड एच इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर्स सो एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नाउ एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर सेवन स्क्वायर ट्वेंटी फोर का स्क्वायर सेवन सेवन फोर्टी नाइन दिस इज फाइव सेवेंटी सिक्स नाइन सिक्स फिफ्टीन फाइव वन सेवन प्लस वन एट प्लस फोर ट्वेल्व टू सॉरी वन

कौन का सी एस ए होता है पाई आर एल सो पाई आर सेवन एल ट्वेंटी फाइव इन टू ट्वेंटी फाइव टू टू फिफ्टी फिफ्टी प्लस फाइव इज फिफ्टी फाइव फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ये शीट की जरूरत है एक कैप को बनाने के लिए कैप्स कितनी बनानी है टेन सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक टेन टैप्स इज इक्वल टू फाइव फाइव जीरो जीरो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वाज अस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड एक बस स्टॉप को बाकी पार्ट ऑफ द रोड से बैरिकेट किया गया है फिफ्टी होलो कोन्स यूज करके जो कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने हैं ईच कोन बेस 40 सेंटीमीटर का ये में, में है या तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे या फिर इसको मीटर में करेंगे है है. पहले तो फाइंड करना होगा इफ दी आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ ये बाहर की साइड का को इसको पेंट करना है सी को पेंट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको दी है टोटल कॉस्ट बतानी है कितनी होगी पाई को यूज़ करना है थ्री पॉइंट वन फोर और शायद क्वेश्चन में वन पॉइंट जीरो फोर का रूट आएगा वो लेना है वन पॉइंट जीरो टू आंसर नंबर एट सो रेडियफी सिलेंडर्स हैं डायमीटर है फोर्टी डी इज इक्वल्स टू फोर्टी सेंटीमीटर तो रेडियस हाफ होगी फोर्टी बाई टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इसको मीटर में कर लेते हैं ट्वेंटी बाई हंड्रेड यानी कि 0.2 मीटर्स ये रेडियस है उसके बाद हाइट गिवन है 1 मीटर नाउ एल फाइंड करेंगे सबसे पहले एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर h 1 स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 क्योंकि 0.2 का मतलब है 0.2 0.2 22 04 लेकिन आंसर में 12 दो नंबर्स के बाद डेसिमल होगा यहाँ पर 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 1.04 तो ल कितना होगा ल स्क्वायर 1.04 है ल होगा रूट 1.04 ये क्वेश्चन में पहले ही दिया था दैट रूट 1.04 इस 1.02 सो ल इक्वल होगा 1.02 के ल पता है आर पता है अभी पेंट करना है तो एरिया टू भी पेंटेड क्वल टू सी एस एफ कौन कर्ट सर्फेस एरिया पर सिर्फ हम पेंट करेंगे सी एस ए होता है पाई आर एल पाई ट्वेंटी थ्री पॉइंट लेना है मल्टीप्लाई okay, करते हैं टू फोर जार एट टू वन सिक्स टू थ्री टू जार सिक्स दो तीन

इस नंबर में दो है तो आंसर में फाइव होंगे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर पॉइंट होगा जीरो पॉइंट फोर जीरो मीटर स्क्वायर ये एक कोन का एरिया है जिसको पेंट करना है ना एरिया ऑफ फिफ्टी सच इज़ इक्वल्स टू को सिक्स आर थर्टी प्लस टू थर्टी टू वन टू थ्री फोर फाइव थ्री टू जीरो पॉइंट टू एट मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा पचास कौन का सिक्स सिक्स फोर जीरो फाइव यहाँ पर इस नंबर में डेसिमल के बाद थ्री नंबर्स हैं यहाँ पर टू है सो आंसर में फाइव होंगे जीरो पॉइंट सिक्स फोर जीरो मीटर स्क्वायर ये एक कौन का एरिया है जिसको पेंट करना है नाउ एरिया ऑफ फिफ्टी सच कौनस फिफ्टी कौनस का एरिया होगा दिस इंटू फिफ्टी फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट सिक्स फोर ज़ीरो फाइव सिक्स ज़ीरो फाइव सिक्स आर थर्टी फाइव फाइव हज़ार ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट फाइव फोर ट्वेंटी सिक्स थर्टी प्लस टू थर्टी टू वन टू थ्री फोर फाइव थर्टी टू पॉइंट ज़ीरो टू एट मीटर स्क्वायर ये सभी फिफ्टी कौनस का एरिया है जिन पर हमें पेंट करना है नाउ रेट क्या है पेंटिंग का रुपीज पर मीटर स्क्वायर रेट ऑफ पेंटिंग रुपीज पर मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर पर ट्वेल्व रुपीज में पेंट होता है तो इतने में कितने पर होगा दिस इंटू ट्वेल्व कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू थर्टी टू पॉइंट जीरो टू are ट्वेंटी फोर थर्टी थ्री टू हज़ार ट्वेंटी फोर थ्री हज़ार थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट वन टू थ्री वन टू थ्री थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर रुपीज़ अभी पैसे में तीन डिजिट्स तक है दो तक इसको करेंगे अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर पॉइंट सिक्स है इसको फोर बनाएगा थ्री फोर रुपीज़ थ्री एटी फोर रुपीज़ थर्टी फोर पैसे ये आंसर है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये थी थर्ड एक्सरसाइज ऑफ क्लास नाइन्थ मैथ्स थर्टीन चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग